सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। जीवन में लोकप्रिय होना है तो सबसे ज्यादा आप शब्द का, उसके बाद हम शब्द का और सबसे कम मैं शब्द का उपयोग करना चाहिए। अगर आपके कामयाब होने का संकल्प काफी मजबूत है तो सफलता आपको कभी भी डरा नहीं सकती। जहाँ तक रास्ता दिख रहा है वहाँ तक तो चलिए, आगे का रास्ता वहाँ पहुँचने के बाद दिखने लगेगा। आज का पंचांग 29 अक्टूबर 2023 दिन रविवार, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि, रात्रि 11:53 तक रहेगी। इसके उपरांत द्वितीय तिथि प्रारंभ हो जाएगी। भरणी नामक नक्षत्र सुबह 4:42 तक रहेगी। इसके उपरांत कृतिका नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय दोपहर 4:22 से 5:45 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय सुबह 11:30 से 12:32 तक रहेगा। आज चंद्रमा मेष राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य तुला राशि पर रहेंगे। कन्या राशि 29 अक्टूबर 2023 दिन रविवार, स्पष्ट बातचीत के साथ कोई बड़ी खुशी आपकी प्रतीक्षा कर रही है। आप जहां से संबंधित है इसके बारे में जानने का प्रयास करें। जूनियर सहकर्मी अधीनस्थ और यहां तक के आपके भाई बहन सभी को आपकी जरूरत है। क्या आप इसे सुनने और उनकी सराहना करने के लिए तैयार हैं? अस्तित्व के नए प्रयोजन और आयाम आपकी कल्पना शक्ति को बढ़ाते हैं। आप में से कुछ के लिए धन की जरूरत उनका समय और ऊर्जा का बड़ा हिस्सा ले रही है। किसी की मदद लेते हुए सावधानी बरतें। दुख की बात यह है कि वक्त गुजरता जा रहा है, खुशी की बात यह है कि अभी भी वक्त है। आज आप महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपने सहकर्मियों से बात कर सकते हैं। प्यार से बातचीत करें और नम्र बने रहें। अगर आप अभी स्थिति को नहीं संभाल पा रही हैं तो अभी इसे छोड़ दें। अगर मूड हल्का करना चाहते हैं तो शाम को किसी समारोह में भाग लें। आध्यात्मिकता और विश्वास पर फोकस करने से आपको सहायता मिलेगी। आपकी उम्मीद एक महक से भरे हुए खूबसूरत फूल की तरह खिलेगी। आपका धन कहाँ खर्च हो रहा है इस पर आपको नजर बनाए रखने की जरूरत है, नहीं तो आने वाले समय में आपको परेशानी हो सकती है। घर में उत्साह का माहौल आपके तनाव को कम कर सकता है या कम कर देगा। आप भी इसमें पूरी सहभागिता करें और महक मुख दर्शन ना बने रहें। आज के इस खूबसूरत दिन प्रेम संबंध में आपकी सभी शिकायतें गायब हो जाएगी। यात्राओं से व्यावसायिक संबंधों में सुधार होगा। आज अपने प्रेमी के साथ वक्त बिता पाएंगे और उनके सामने अपनी जज्बातों को रख पाएंगे। आपका वैवाहिक जीवन इससे अधिक रंगों से भरा कभी नहीं रहा है। प्रॉपर्टी के खरीद बिक्री संबंधित कोई प्लानिंग चल रही है तो उसके फलीभूत होने का अनुकूल समय है। संतान के करियर संबंधित भी कोई शुभ समाचार मिलेगा। किसी समारोह आदि में जाने का निमंत्रण मिल सकता है। कुछ योजनाओं को अमल में लाने के लिए अपने व्यवहार में कठोरता लाने की आवश्यकता है। डिसिप्लिन न होने से काम करना मुश्किल होगा। काम पर अधिक ध्यान देंगे तो बेहतर रहेगा। परिवार की जिम्मेदारियों से राहत मिलेगी। खुद को तनाव से दूर रखें। नौकरी पेशा लोगों को नए अवसर भी मिलेंगे। पार्टनर की जरूरतों को नजरअंदाज न करें। सर्दी व एलर्जी की तकलीफ भी हो सकती है, ख्याल रखें। छात्रों को अपनी मेहनत का सही फल मिलने से प्रसन्नता होगी। भाइयों के बीच चल रहा विवाद किसी के दखल से सुलझ जाएगा। घर के जरूरी मामलों का फैसला आप खुद करें। घर में मेहमान होने से आपके लिए लक्ष्य हासिल करना मुश्किल हो जाएगा। सावधानियां, कोई भी बड़ा निर्णय लेते समय दिल और दिमाग में समन्वय बनाकर रखें, क्योंकि जल्दबाजी में किया गया काम नुकसानदायक रहेगा। दूसरों की मदद करने में अपने समय और सामर्थ्य का भी ध्यान रखें। इसकी वजह से आपके कई महत्वपूर्ण काम रुक भी सकते हैं। बात करते हैं लव लाइफ की। किसी के दिल में अपनी जगह बनाने के लिए अपने विचारों के साथ साथ शक्ल सूरत पर भी ध्यान दें। नया हेयर कट एक अच्छा उपाय है।
अहंकार बनती बात बिगाड़ सकता है, इसीलिए थोड़ा ध्यान रखें। किसी ऐसे व्यक्ति को नाराज ना करें जो आप पर पूरा विश्वास करता हो। अच्छा, आपको अपने जीवन के महत्वपूर्ण कार्य में किसी सहायता की तलाश है और आपका लवर जीवन साथी इसमें आपका पूरी तरह से सहयोग करेगा। आज आपका मूड भी सुखद और रोमांटिक है, इसीलिए यह खुशनुमा क्षण आपके प्यार के बंधन की ओर भी मजबूत कर देंगे। प्यार के इन मूवमेंट को हमेशा संजो कर रखें। आज आप यह समझने की शुरुआत करेंगे कि आप और किसी के कहे पर नहीं चलेंगे और अपने संबंध में कुछ स्वस्थ सीमाओं का पालन हमेशा करेंगे। आपको यह समझना चाहिए कि आपको अपने सबसे बड़े शुभचिंतक को भी अपने लिए फैसले लेने की छूट नहीं देनी है। अपनी खुद की राय का सम्मान करना चाहिए। आप इसकी तरफ पहला कदम उठाएं। लोगों की नजरों में आपका सम्मान खुद ब खुद बढ़ जाएगा। बात करते हैं करियर की। आपके व्यवसायिक कौशल में तेजी आएगी और आप एक मजबूत भावना के साथ पेशेवर दौड़ में वापस स्थापित होंगे। आपको अपने पद और आय को एक समान या बढ़ाने के अवसर प्राप्त होंगे और अभी तक आप अपने कार्य और पद की तुलना में काफी अल्प आय प्राप्त कर रही थी। नए काम की पहल आपको आनंद और उपलब्धियां प्रदान करेगी। आज हर निर्णय सोच समझ कर लें व अपनी शक्ति और कमजोरी का मूल्यांकन करें। अपने चारों तरफ सकारात्मक माहौल की वजह से आज आशा से भरपूर हैं। मिजाज में नम्रता लाकर आप दुश्मनों को भी दोस्त बना सकते हैं। संभावनाएं और संबंध इस समय आपके लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। आपको अपनी धन से जुड़े मामलों पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। परेशानियों को दूर करने में आपके दोस्त मदद कर सकते हैं। आज धन और समय दोनों आपके पक्ष में है। जीवन के इस चरण को स्वीकार करके इसका पूरा आनंद लें। कारोबार को लेकर किसी नए काम को शुरू करने से पहले पुनः सोच विचार करना जरूरी है। बेहतर होगा कि जैसा वर्तमान में चल रहा है उसी पर अपना ध्यान केंद्रित करें। मल्टीनेशनल कंपनी में कार्यरत लोगों को प्रमोशन संबंधी शुभ समाचार मिल सकता है। बात करते हैं सेहत की। थकान से बचने के लिए आराम लेना आज जरूरी है। आप पिछले कुछ समय से लगातार लंबे स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे हैं, परंतु आज से आपकी स्वास्थ्य सुधार की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। अगर आपकी कोई स्वास्थ्य संबंधित समस्या काफी पुरानी है तब भी आपको इसके लिए आज कोई लंबे समय तक के लिए समाधान मिल जाएगा। कुल मिलाकर आज आपके स्वास्थ्य में सुधार होगा। सुधार की प्रक्रिया को तेज करने के लिए अपने खान पान पर विशेष ध्यान दें। आज का उपाय। आज अब उगते हुए सूर्य को जल चढ़ाएं। जल चढ़ाते समय सूर्य मंत्रों का जाप अवश्य करें। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।